अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सोहेल अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं सोहेल मेमन बर्ड्स। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारे सॉफ्ट फूड के हवाले से कि आपको अपने फिंचेस को, अपने डव को और अपने जावा को कौन सा सॉफ्ट फूड देना चाहिए जो उनके लिए बेहतर हो और जो आपके लिए मुनाफा बख्श हो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल इशू बहुत हो गए हैं अनफर्टिलिटी का, एक अनफर्टिलिटी हो जाती है, बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते और काफ़ी सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ब्रीड नहीं ले सकते, तो उनका सारा दारोमदार आपके सॉफ्ट फूड पे आता है कि आप उनको क्या दे रहे हैं। मिक्स फीड के साथ साथ सॉफ्ट फूड का भी बहुत बड़ा रोल होता है आपकी ब्रीडिंग के हवाले से। तो मैं जो अपने बर्ड्स को देता हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से मैं अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड देता हूँ और उनका क्या रिज़ल्ट आता है, ये भी आपको मैं बाद में बताऊँगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ अपना सॉफ्ट फूड। मैंने ब्रेड जो है अपनी वो सारी जूसर में ग्राइंड करके आ गया हूँ। ये ब्रेड है सारी, आप चार अंडों के साथ चार ब्रेड सिर्फ दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि लोग ऐसा करते हैं कि एक अंडे के साथ आप दो ब्रेड दे दी, तीन ब्रेड दे दी। नहीं, जितने आपके अंडे हैं उतनी आपको ब्रेड मिलानी है, इससे ज़्यादा नहीं। ये भी सारी चीज़ें मैं इनमें मिलाता हूँ और आइए मैं आपको तरीका इसका सिखाता हूँ कैसे आपको करना है। आप ये देख रहे हैं अंडा इसमें हम बना रहे हैं। आप एक मेशर से भी जो है उससे भी कर सकते हैं जो मशीन आती है, पर मैं हाथ से ही करता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये हमारा अंडा तैयार हो गया है। अभी इसमें मज़ीद हम चीज़ें मिलाएंगे और सबसे पहले हम मिलाएंगे इसमें मील वर्म। आप थोड़े से एक मुट्ठी या आधी मुट्ठी लुटा लें और इसको पूरा आप मैश कर दें, पूरा मैश करके इसमें डालें और इसके बाद आप उठाएं झींगा और झींगे को भी इस तरह से ही आप इसमें थोड़ा सा मैश करके और डाल दें। या सारा मैश करें झींगे को और झींगा भी इसमें डाल दें। उसके बाद आप उठाएं ग्रिट, आप इसमें ग्रिट डालें तकरीबन 4 से 5 ग्राम, आप इसमें ग्रिट भी मिला दें। इसके बाद आप इसमें मोरिंगा पाउडर डालें 1 ग्राम। ये मेरे पास जो है 1 ग्राम का चमचा है, बस 1 ग्राम बहुत है इसके लिए, बहुत होता है अगर आप डालना चाहें तो। ये बस 1 ग्राम बहुत है, आप ये इसमें 1 ग्राम अपने मोरिंगा पाउडर डाल दिया। उसके बाद आप डाल जाएँ सेंट बायोटिक डाल दें इसमें, आप 1 ग्राम सेंट बायोटिक डाल दें। उसके बाद आप आ जाएँ सोलोवर्ट डी ब्रीडर डाल दें इसमें, 1 ग्राम सोलोवर्ट डी ब्रीडर डाल दें। ये सारे वीटा फार्म के प्रोडक्ट्स हैं, आप ये ना भी डालें तो चल जाता है। उसके बाद आप आ जाएं सौंफ डाल दें इसमें, 2 चम्मच सौंफ डाल दें 2 ग्राम। इससे सौंफ से क्या होता है कि आप बर्ड आपका बर्ड शौक से खाता है और उसको खुशबू अच्छी आती है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई मेरे भाई, देखें आप कैसे ये बनाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद आपको इसको सही तरीके से मिलाना है और मिलाने का मैं आपको तरीका दिखा रहा हूँ। आराम आराम से आपने मिलाना है और इस तरह से मिलाना है कि हर चीज़ जो है ना इसमें जज़ब हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप हाथ से भी मिला सकते हैं। अगर आपको चम्मच से थोड़ी दुश्वारी हो रही है तो आप इस हाथ से इसको अच्छी तरह से मैश कर दें ताकि ब्रेड और अंडा और सारे ये जो हमने मिलाया है ये एक हो जाएं। और माशाल्लाह इससे आपकी खुशबू ऐसी आएगी कि आप खुद जो है ना कहेंगे कि क्या बात है। अब बर्ड बहुत शौक से ये खाता है, आप इसको इस तरह से देंगे, सौंफ ज़रूर डालिएगा, इससे खुशबू बहुत बेहतर हो जाती है फूड की, आपकी मील वर्म की या आपकी झींगों की खुशबू ख़त्म हो जाती है। आप ये देखें, आपका ये सारा हमारा सॉफ्ट फूड अब रेडी हो गया है। आइए अब सर्व करते हैं। आपको मैं बताता हूँ कि आपको एक डव को, एक जोड़े को कितना सॉफ्ट फूड देना चाहिए। अच्छा, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात,
अक्सर दोस्त क्या करते हैं कि इसमें भर भर के जो है ना डाल देते हैं, और इसको इतना नहीं देना होता आपको। जो देना है सिर्फ इसमें एक स्पून बड़ा वाला एक स्पून एक जोड़े को आपने देना है, और ये भी इनफ है। ये भी इसमें भी आपको नेक्स्ट डे आप देखेंगे तो आपको बचा हुआ मिलेगा। ये फूड में तमाम अपने एग्जॉटिक जो मेरी फिंचेस हैं, मेरे डव हैं, मेरे जो लव बर्ड के बच्चे हैं, मैं उनको भी ये देता हूँ। जो आपके पास लव बर्ड के पट्टे निकले आप उनको भी दे सकते हैं ये सारा। अब ये देखें सारा रेडी हो गया। आप क्वांटिटी देख सकते हैं कि कितनी होनी चाहिए। अब देखें, अब क्वांटिटी एक जोड़ी की है ये। अब जहाँ आपने फ़िलाए में कुछ ज़्यादा अगर छोड़े हुए हैं तो उसके हिसाब से आप उनको ज़्यादा दें। जब अगर दो परिंदे हैं तो आप दो परिंदों के लिए ये इनफ है। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे कि किस तरह से कितने शौक से आपके बर्ड ये खाते हैं। अब आप देखिएगा, मैं सर्व कर रहा हूँ अपने बर्ड्स को, और उसके बाद आप देखिएगा कि किस तरह से ये सब इंजॉय कर रहे हैं इस सॉफ्ट फूड को, और कैसी ज़बरदस्त ब्रीड आती है। आपकी दिल खुश हो जाएगा आपका। देखिए